यस सर। ओके सो आई होप नोबडी एल्स इज गोइंग टू ज्वाइन नाउ। Or we'll do one thing, we'll just wait for 2 minutes more because the others are in waiting room. So I've just asked them to join now, and as soon as they will join, because I could not able to, what you call, Pooja, I have made you the host in case somebody want to join, so you can allow them. Yes. Hello. Yes, sir. Okay, fine. And my screen is visible to you? No, sir. Yes, sir. My screen is visible to you or not? No, sir. Okay, fine. Pooja? Hello? यस सर। आप मेरे को होस्ट कर दो। एक सेकेंड है, यहां से आ रहा है शायद से। मैं बन गया वापस होस्ट। ठीक है, होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? फाइन। Now the screen is visible. So today we will discuss the important questions of electromagnetic and field theory subject. The questions which are going to ask in end semester examination. So let's start with unit number 3. The name of the unit is boundary conditions. Boundary conditions. So what I thought is, I'm going to write the questions over here. Later on, its PDF is going to be generated, and I'm going to share you that PDF. Meanwhile, you can see that this also, so that in case you have some doubts or some queries, so you can ask me. Yes. In case of interruption or something, just let me know. So, in this unit, in theory
The question will be like derive the boundary condition for electric field at an interface between conductor and free space. Excuse me, sir. Yes. कुछ स्टूडेंट है ना लॉबी में, तो उनको ज्वाइन कर लीजिए सर. Then question number two will be an expression for boundary condition between two perfect dielectrics. Two perfect dielectrics. And in this unit, the third question is third question will be on magnetostatic field. So derive the boundary condition at an interface between two magnetic medium with permeability mu 1 and mu 2. तो इस यूनिट का जो थ्योरी पार्ट है उसके ऊपर, जो बाउंड्री कंडीशन के ऊपर, ये तीन क्वेश्चंस में से कोई भी दो क्वेश्चन रहने वाले हैं. इस यूनिट का जो दूसरा पार्ट है वो है लैपलास एंड पॉइजन्स इक्वेशंस.
तो उसके अंदर जो क्वेश्चन रहता है वो रहेगा यूजिंग लैपलेस इक्वेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर कोएक्सियल केबल कोएक्सियल केबल या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर फाइन। और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें डी पार्ट जो होता है वो आता है सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर। इन चारों में से कोई एक डेरिवेशन या समटाइम से इफ पेपर इज बिट टफ आई वोंट से टफ बट समटाइम दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क टू हाफ फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन्स आर इंसुलेटेड अलोंग जेड एक्सिस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई Assuming potential of V naught for alpha is equal to 0 degree and a zero reference for this is phi for y is equal to this is 0 is alpha this is 0 alpha for phi is equal to 0 degree. So Laplace Poisson's equation pe question kaise aata hai using Laplace equation derive an expression for capacitance of parallel plate capacitor ek question aisa reh jayega या यूजिंग लैपलास इक्वेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कोएक्सियल केबल ऐसा क्वेश्चन रह जाएगा या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर में कंडीशन दे सकते हैं कोएक्सियल केबल के लिए कंडीशन दे सकते हैं जैसे कि वो बोलेंगे फॉर इनर सर्फेस जो होगा उसके लिए वी इज इक्वल टू वी नॉट फॉर आर इज इक्वल टू ए एंड वी इज इक्वल टू जीरो फॉर आर इज इक्वल टू वी या रो इज इक्वल टू जीरो रो इज इक्वल टू ए वी इज इक्वल टू वी नॉट रो इज इक्वल टू बी वी इज इक्वल टू जीरो समथिंग लाइक दिस दे कैन गिव द कंडीशन इन द क्वेश्चन। बट वो क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना जब लैपलास और पॉइजन इक्वेशंस का तो उसमें से यही निकलते हैं मोस्टली ठीक है। तो ये जो फोर्थ में मैंने चार पार्ट बताया उसमें से कोई भी एक पार्ट आता है या फिफ्थ क्वेश्चन भी आ सकता है मे बी। तो लैपलास और पॉइजन इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फोर्थ या फिफ्थ में से क्वेश्चन आ सकते हैं
डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट आप देखो उसको सर्कुलर सिलेंडर करके देखो, आप उसमें लैपलास पॉइजन्स का तो उसमें दिया होगा, वो आपको मिल जाएगा इसलिए। वैसे ही कोएक्सियल केबल एंड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। तो ये हो गया पॉइजन्स एंड लैपलास के ऊपर। इसके अलावा इसमें एनर्जी डेंसिटी के ऊपर भी आती है क्वेश्चन। एनर्जी डेंसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो 6 क्वेश्चन है थ्योरी मोस्टली इसमें से ही आएगा। अभी आप बोलोगे कि सर इसके बाहर आ गया था, जैसे कि लास्ट टाइम क्या मैंने बोला था कि थ्योरी मोस्टली आती नहीं है। थ्योरी नहीं आती है मतलब क्या, आपको थ्योरी लिखने के लिए नहीं आती है, बट दे कैन आस्क यू इन इन सेमेस्टर दे हैव आस्क यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज कूलम्स लॉ। तो उन्होंने इन सेमेस्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए थे, तो वो थ्योरी में नहीं काउंट होता है, वो जनरल डेफिनेशंस है। थ्योरी मतलब क्या होता है, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट में उसका सर्किट ड्रॉ करते हो और उसके बारे में थ्योरी लिखते हो, वैसा थ्योरी नहीं होता। इसके अंदर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, मेरा कहने का मतलब वो रहता है। ठीक है, तो उस टाइप के छोटे मोटे थ्योरी अगर आप देख रहे हो बीच में कहीं पे आ रहे हैं, तो वो फिर आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो। एक और जो क्वेश्चन इसके अंदर लैपलास और पॉइजन्स के ऊपर आ सकता है वो ये रहता है कि डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग इक्वेशंस सेटिस्फाई लैपलास इक्वेशंस। तो उसके अंदर कोई कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं एक जनरल क्वेश्चन देता हूं, वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा इसके अंदर, वी इज इक्वल टू आर कॉस फाइव प्लस जेड। और v इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस फाइव। जिन्होंने मेरे लेक्चर से अटेंड किया उसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए फर्स्ट और सेकंड क्लास में। ठीक है, तो थ्योरी जो मुझे लगता है इस यूनिट के ऊपर मोस्टली यही रहना चाहिए। और वो एक क्वेश्चन इसमें अगर मैं और ऐड करूँ तो एक आ जाएगा कि पोलराइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, या दे कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक पोलराइजेशन। तो ये जो थ्योरी के जो क्वेश्चन है, मैं सारे पॉसिबिलिटी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो ऊपर के क्वेश्चन बताया वो नहीं आए, जिसके चांसेस बहुत कम है। एक क्वेश्चन इन तीनों में से वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर श्योर। मीटिंग एंड कीप योर माइक ऑफ। वन क्वेश्चन विल बी श्योर फॉर दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, ये तो फिक्स हुआ था आपका, बाकी का नीचे में से क्या आता है वो देख लो आप लोग। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया, मैंने बताया था आपको इस यूनिट के अंदर जो थ्योरी आएगा वो ये रहता है। अभी न्यूमेरिकल के जो चांसेस है इसी यूनिट में, न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से आएंगे? तो बाउंड्री कंडीशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो बताता हूं मैं आपको।
Just give me a minute. एक मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो मोस्टली चांसेस है, वो क्वेश्चन आपने किए ना तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजिली आ जाएंगे। दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर, यस सर। फिगर इधर मैं ड्रॉ करता हूँ। फिगर क्वेश्चन में दिया भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। मोस्टली 90% चांसेस है कि देते हैं वो लोग। तो वो जो बाउंड्री है वो ये रही।
दिस इज दैट फिगर. दिस क्वेश्चन विल बी आस्क फॉर 10 मार्क्स. तो इसके अंदर अगर आप देखते हो तो इसमें बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक्स है. तो वैसे ही फ्री स्पेस एंड कंडक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन या तो फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ये रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए. अभी मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए कैसा न्यूमेरिकल रहेगा वो भी लिख के देता हूँ मैं आपको. दस मिनट के अंदर लिंक वो हो जाएगा. 45 मिनट्स का टाइम रहता है तो आप फिर से ज्वाइन करो सेम लिंक पे. तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे मे आस्क यू. सो फ्रॉम जैसे कि ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको बिटवीन द टू डाइलेक्ट्रिक्स आता है या बिटवीन फ्री स्पेस एंड कंडक्टर आता है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आपको बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक्स लिखा हुआ है टू डाइलेक्ट्रिक्स, बट मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में ऐसा कुछ वेरिएशन रहता नहीं. मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में एक ही टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, समझ के सॉल्व करो तो आप बाकी सब कर सकते हो. पहले बाउंड्री कंडीशन की इक्वेशन देखो, उसके हिसाब से फिर आप उसको सॉल्व करो. ठीक है, इसके अलावा जो मुझे लग रहा है एक्सपेरिमेंट बेसिस पे दे में एक्सपेरिमेंट विथ क्वेश्चन ऑन डायलेक्ट डाइपोल. सो जो डाइपोल का इक्वेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये थोड़ा सा आप कोई भी एक दो क्वेश्चन उसका रेफर करो आप. तो मेरे पास फिलहाल अभी सिलेबस है और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसके अलावा एज सच क्वेश्चंस बैठता नहीं है. कैपेसिटेंस के ऊपर उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था बहुत साल पहले, बट वो आप कैपेसिटेंस की बात करें तो उसके ऊपर आप देख सकते हो. कैपेसिटेंस के ऊपर अगर आप एक फिगर होगा आप बुक में देखो, once they have asked a question on this,
ऐसे करके प्लेट्स बनाए हुए थे कुछ, तो भी उसमें एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन आर टू समथिंग वोल्टेज एंड चार्ज समथिंग वाज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सी समथिंग इट वाज लाइक दैट। अगर आप देखोगे बुक में तो कैपेसिटेंस के ऊपर भी क्वेश्चन है, बट वो इजी है, उसमें खाली सम करना है, सी वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये जो है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एक बार आप रेफर करके जाओ, बिकॉज समटाइम दे मे आस्क यू। बट एक चीज तो पक्की है कि उसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑप्शनल भी रहता है, मतलब एक क्वेश्चन के दो या तीन पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर दो या तीन पार्ट। तो एक टाइप के क्वेश्चन जो अगर है, अगर आपको स्किप कर रहे हो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जितना आप पढ़ाई कर रहे हो उतना श्योर शॉट कर रहे हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि उसमें भी कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। तो ये जो यूनिट थर्ड का कंटेंट था वो इतना ही है। इसमें कुछ डाउट है किसी को जो मैंने बताया अभी? हेलो, नो सर। तो शैल वी मूव टू नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4? यस सर। ओके सर, सर ये क्वेश्चंस के आप वन नोट का जो डॉक्यूमेंट है या पीडीएफ है वो आप शेयर करने वाले हो क्या क्लासरूम पे? मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर देता हूँ मैं, ओके सर, थैंक यू सर। और ये वीडियो जो रहेगी ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा, वो भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ऑफिशियल ग्रुप पे आ जाएगा आपको, तो आप वहां से बार बार देख भी सकते हो उसको। ओके सर, थैंक यू सर। तो अरे शिट, ओके। तो थिंग इज लाइक, अभी हम लोग यूनिट 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4। सो जस्ट गिव मी 10-15 मिनट्स ऑफ टाइम, इट्स 8:45 इन माई वॉच, सो यू कैन अगेन ऑन द सेम लिंक यू ज्वाइन एट 9 PM। सो अगेन इन दैट 40 मिनट्स और 30 मिनट्स वी विल कंप्लीट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4। सो टूडे वी विल कम्प्लीट यूनिट 3 एंड 4, अगेन टूमोरो वी विल मीट एंड देन वी विल कम्प्लीट यूनिट नंबर 5 एंड 6। इज दैट ओके? यस यस सर। सर। तो आप लोग 9 बजे ज्वाइन करो, मैं आपको यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। यस ओके सर। सर।